तो गाइस स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में। आज वीडियो की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजे से और हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही लंबे ट्रिप पे। तो साथ में कौन है? चंदू भाई। और प्लानिंग है हमारी पूरे 3 दिन कैंपिंग करने का। बारिश की बूंदें गिरनी स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की और उम्मीद है आज बारिश होगी लगातार। देखते हैं, अभी तो हल्की हल्की हो ही रही है बारिश। बारिश के बीच हमें अभी कोई 2-3 किलोमीटर और जाना है अपने कैंपिंग स्पॉट तक पहुँचने के लिए। यही होता है जब हम बारिश से पूरे प्रिपेयर होके आते हैं बारिश से बचने के लिए, तो उस टाइम पे बारिश आती नहीं है। और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है रेन गियर और आज बारिश हो रही है और बहुत तेज़ हो रही है। अब ऊपर से दिक्कत ये भी है कि हम ज़्यादा फास्ट जा नहीं सकते क्योंकि बैग बहुत हैवी हो रखा है आज। यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो गई है, जल्दी से कैमरा वगैरह बचा लेते हैं ना। पहले हमारे पास ज़्यादा तो है नहीं कुछ। ओ भाई पानी तो बहुत आती है भाई, इसमें कवर लगा ले। लगता है आज बारिश जमकी होगी। जमकी होगी भाई, चाहिए भी भाई अभी बारिश ना, इतनी गर्मी हाँ। हो रही है, बस हमारे पहुँचने के बाद हो गए। ठीक है, अभी बारिश बहुत तेज़ हो गई है और हम लोग एक पेड़ के नीचे रुके हुए हैं और इस साइड से आवाज़ सुनो गाइस, ऐसा लग रहा है कोई वाटरफॉल होगा या फिर नदी होगी वो यहाँ पास में ही, इतनी तेज़ आवाज़ है बारिश की। अब जल्दी से भागते हैं। भाई साहब बारिश बहुत तेज़ हो रही है अब। अपडेट ये है कि अभी हम बुरी तरीके से भीग चुके हैं, कोई उपाय नहीं है बचने का, बारिश बढ़ती जा रही है। पर बस 5 मिनट भाई, बस 5 मिनट। हाँ, जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक शायद पहुँचने में दिक्कत होने वाली है। हम कहीं पे अपना एक स्पॉट ढूंढ के बीच रास्ते में ही टेंट लगाना पड़ेगा। जहाँ तक जाने की कोशिश थी ना, वहाँ नहीं जा पाएंगे आज। वाह, यहाँ पे एक चीज़ बढ़िया सी सीखने को मिली। ओ भाई ब्रह्मकमल है। ब्रह्मकमल नहीं पर उसी टाइप का देख मान के चल सकते हैं। बहुत ही प्यारा ये फ्लावर देखो। वाओ, और यहाँ पे पास में ही हमारा एक कैंपिंग स्पॉट भी है, तो वहाँ सोच रहे हैं कि हम टेंट पिच कर लें आज। ज़्यादा दूर जाना हमारे लिए गलती हो सकती है, ज़्यादा दूर जाना। और मुझे लग रहा है यहाँ पे बकरियाँ हैं। पीछे बकरियाँ थी तो मुझे लग रहा है आज यहीं आसपास पे कैंप करना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज। चंदू भाई कुत्ते के डर से पता नहीं कौन से जंगल में घुस गया भाई। अरे वाह, हम तो फूलों के शहर में पहुंच गए, फूलों की घाटी पहुंच गई। क्या मस्त मस्त फूल है ना। अपना प्लान आज थोड़ा ज़्यादा जाने का था, 7 किलोमीटर और आगे जा सकते थे हम लोग, बट बारिश की वजह से यहीं पर रुकना पड़ा।
अपना तो वही है भाई, कोई मंजिल नहीं है, बस चलते जाओ जहाँ पे रुकने का मौका मिले या फिर मौसम खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस वहीं पे अपना घर बना लो। तो पीछे आपको बकरे की आवाज़ें आ रही होंगी। हाँ, अगर आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा तो लेटेस्ट ब्लॉग जिसमें मैं एज अ शेफर्ड स्पेंड किया था मैंने एक नाइट, वो वीडियो लेटेस्ट वीडियो है, तो आप जाके जरूर देखना ब्लॉग चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं ब्लॉग चैनल। और फिलहाल भाई थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं क्योंकि ठंड लग रही है बढ़िया सी। एक बार तो सोचा हमने यहाँ से कि आगे बढ़ते हैं, फिर यार जो आसपास नज़र गई, जो फूल खिले हुए हैं आसपास में, भाई मज़ा आ गया। नहीं पहले हल्का था, अब भारी हो गया। अपना प्लान ये है कि थोड़ी देर में चाय बनाएंगे, ऐसी जगह पर आके चाय बनती है अपनी, और सच में मज़ा आ गया। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा हो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लो यार, क्योंकि ऐसे वीडियो आने वाले हैं। जैसे कि अपना 3 दिन का टूर है ये, तो 3 दिन बड़े मस्त मस्त 3 वीडियोज आएंगी, तो इन्जॉय करना आप भी, हम भी इन्जॉय करेंगे। यहाँ पर यार हरियाली इतनी है ना, इतनी बढ़िया हरियाली है कि मैं बार बार कैमरे का सैचुरेशन कम कर रहा हूँ, फिर भी और ज़्यादा हरियाली दिख रही है, तो आप समझ सकते हैं ज़्यादा आपको लोकेशन पसंद आ रहा होगा। बारिश ना होती तो हम यहाँ से आगे बढ़ गए होते और ये लोकेशन छूट जाती, और बैकग्राउंड में जो बर्ड्स की आवाज़ है वो भाई कानों को सुकून दे रही है। और आसपास में बड़े प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, हर जगह वाइट फूल। यार कभी कभी तो हमें लगता है हम कितने लक्की हैं कि ऐसी लोकेशन पर कैंपिंग कर पा रहे हैं। वाह, अमेजिंग। अभी और भी महीने बचे हैं। और अभी टाइम हो चुका है चाय बनाने का, मुझे तो इतनी ठंड लग रही है ना, मुझे लग रहा है फिर से बुखार चढ़ने वाला है मुझे। बहुत दूर था ना। अभी यहाँ पे क्या होता है ना कि इस टाइम पे पानी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज तो मिल गया लेकिन कल से क्या होगा वो नहीं पता हमें। कल तो हमें बहुत ही वीरान जंगलों में जाना है, जहाँ की जाना बहुत टफ रहता है। वैसे ठंड मुझे लग रही है, हो रही क्या ठंड? मुझे तो लग रहा है बुखार फिर से हो गया भाई मुझे। ऐसे में बुखार होना मतलब रिस्की।
वैसे बुखार से अपना इस जगह पर आ गए ना, अपना एक पुराना किस्सा याद आता है, वो मैं बताऊंगा कल। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक है मतलब कहानी। मुझे लग रहा है अभी बारिश होगी, तगड़ी बारिश होगी आज, मजा आएगा। चाय हो चुकी है रेडी, गर्मा गर्म चाय पीना पहले तो। ठंड बढ़ गया, और अभी हमारे पीछे एक डॉग भी आया हुआ है, और इसके लिए हमारे पास कुछ है नहीं खाने को। डॉगी ले आजा, कालू ले आजा, ले ले। आग ला लेते हैं अब हम, शाम हो चुकी है और ये वाली फील आ रही कि विंटर वाला फील आ रहा है, ठंड है ना काफ़ी ज़्यादा। ऊपर से थोड़ी ऐसी जगह है यहाँ पे कि ठंडी रहती है लगातार, ठीक ठाक यहाँ पे। मेरा तो मन कर रहा है कुछ लगा के बैठ जाए। हाँ सही है, आप कुछ काम नहीं है तेरा। हाँ मेरा काम नहीं है आज, आज सारा वो कर लूँगा मैं, मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ना थोड़ा बुखार हो गया है लग रहा है मुझे। देखेंगे, ऐसा भी नहीं है अभी कुछ नहीं कह सकते, थोड़ी एनर्जी आनी चाहिए फिर हो जाएगा सब काम। रोटी रोटी बना दे। आज हम रोटी बनाने वाले हैं तो तैयारी कर लेंगे थोड़ी देर में। और यार आज थोड़ा बुखार हो गया था, बुखार का रीज़न वही है यार कि एक बार -15 डिग्री में कैंपिंग करो, उसके बाद अचानक से टेम्परेचर 30 हो जाए तो उसमें बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता, इसकी वजह से बुखार चढ़ गया। जब तू बर्फ सर्वाइवल वीडियो में जो मैं गया था ना, तो उसके कारण बहुत बॉडी एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाया। चलना उतना दूर है पैदल गया होगा, गर्मी हुई फिर वहाँ जाते ही बर्फ में ठंड, फिर वापस आके गर्मी। हाँ वही। चलो बातें होती रहेंगी, लाल लाल बैठते हैं थोड़ी देर, थोड़ी देर फिर खाना बनाएंगे। हाँ जी भाई, तो गाइस अभी हो चुकी है रात पूरी और हमने एक आज बड़ा मस्त चीज़ किया है, वो है यहाँ पे, थोड़ा दिखाऊँ आपको भी मैं। देखो कैसी लग रही है बताओ। तो कैसी लग रही है बताओ। हमने आज लगाई है फेरी लाइट, तो नाइट कैंपिंग में ना बड़ा मज़ा लग, बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़। और आज तो वैसे भी हमारा रिलैक्सिंग डे है। अब हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग, तो सेटअप आग आग जला लिया हम लोगों ने, अब रोटियां बनाने की तैयारी कर लेते हैं। जल्दी रोटियां बनाते हैं, साथ में देखते हैं क्या बनाते हैं। तो आज कुछ हैवी खाएंगे क्योंकि कल से हमें 2 दिन एकदम टफ ट्रैकिंग करनी है और घने जंगलों में रहना है, ठीक है। तो रात हो चुकी थी, हमने सोचा रोटियां बना लेते हैं। देखो रोटियां बड़ी मस्त बन रही हैं। तो रोटियां बन चुकी हैं अभी। आज का यार इस वाले सीरीज में आपको ना खाने पे थोड़ा कम फोकस दिखेगा, मतलब कि खाने पे इतना ज़्यादा फोकस रहेगा नहीं, बस थोड़ा एक्सप्लोर करना है इस बारी हमें, तो अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे ज़्यादा। अभी फ़िलहाल
रोटियाँ बन चुकी हैं, अब बना रहे हम लोग मटर पनीर बना रहे हैं है ना। तो मटर पनीर बनाएंगे आज, और उसके लिए प्याज, बस प्याज काटना है ज़्यादा, हमारे पास टमाटर का पेस्ट वगैरह है तो सब कुछ है, तो वो रेडी कर लेते हैं फिर बनाते हैं मटर पनीर साथ में रोटियाँ। पनीर थोड़ा टूटने वाला है तो भाई बिखर जा रहा है क्योंकि गर्मी की वजह से। ये रेडी पनीर, टाइम हो चुका है पनीर बनाने का, कर दें स्टार्ट। तो ऐसे कैसे हो, चलो पनीर बना लेते हैं। नीचे वहाँ पे ना थोड़ी दिक्कत हो रही है, आज हम खाना बनाते हुए काफ़ी लेट हुए हैं। रीज़न वही है ना कि पीछे जो बकरियां हैं, घोड़े हैं, कुत्ते हैं, वो बार बार आसपास में घूम रहे हैं तो उनकी घंटियों की आवाज़ आ रही है, डिस्टर्बिंग साउंड आ रहा था, तो तभी हमने थोड़ा सोचा कि उनको रेस्ट करने देते हैं सब, ताकि हम अपना कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तभी हम टाइम क्या 9 से 10 बच्चे होंगे, 9 से 10 के आसपास हो गए, 9:20 हो गया टाइम, अभी बन रहा हमारा डिनर। मटर पनीर डाल देते हैं अभी, पनीर पनीर को हमने फ्राई नहीं किया आज क्योंकि पूरा एकदम से बिखर जा रही है, तो इसको कम खाएंगे। ब्लैक हाँ, थोड़ा ब्लैक पेपर गरम। हेल्दी गरम, तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बनता है और उसके बाद तुरंत ही खाना शुरू कर देंगे हम। टाइम 10 से ऊपर हो चुका है, चलो जी चलो, अच्छा लग रहा है, बढ़िया दिख रहा है। ये रहा पनीर और साथ में हमारे पास हैं रोटियां, तो रोटियां निकालते हैं और बढ़िया से बैठ के खा लेते हैं। लजीज, चलो एक बार खा लेते हैं ना फिर बात करते हैं आगे। खाना खाने के बाद सब सोने की तैयारी, टाइम 11 बज गए होंगे मुझे लग रहा है, 11:06 हो रखे हैं और अभी सो जाते हैं। ज़्यादा इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जो मैं शॉर्ट आउट नहीं दे पाया वीडियो में क्योंकि
आज थोड़ा ना तबीयत की वजह से थोड़ा नहीं कर पाया, और यहाँ पर नेटवर्क का भी इशू है थोड़ा बहुत, तो सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे डे टू के साथ कल सुबह से। कल सुबह हमें यहाँ से जाना है कोई 10-12 किलोमीटर जंगल वाले एरिया में, तो काफ़ी थ्रिलिंग वीडियो होने वाली है नेक्स्ट। चलिए तो इस वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आज का कोड रहेगा 7500, ठीक है? तो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर कर लेना इस कोड को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। यानी नेक्स्ट बोले तो कल सुबह मॉर्निंग में।